खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से है, जहां आज जनजाति कार्य मंत्री और मानपुर विधायक मीना सिंह ने पाली पहुंचकर दो कार्यक्रमों में शामिल हुए, जहां आज खंड स्तरीय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नगर में आयुष्मान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल कॉलेज की टीम और जिले के डॉक्टर्स के द्वारा अनेक बीमारियों की जाँच, जैसे टीबी, कैंसर, दांत, आंखों की जाँच, त्वचा, नाक, कान, गला और विकलांगता योजना के तहत मिलने वाले लाभ, आयुष्मान रजिस्ट्रेशन एवं KYC के टेबल लगाकर परामर्श और उपचार दिया गया। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इतने बड़े आयोजन की जानकारी और प्रचार प्रसार लोगों तक न होने के कारण लोगों की उपस्थिति न के बराबर दिखी। ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेला का कार्यक्रम था। मेला के माध्यम से जो लोग यहाँ पर अपने जैसे जांच कराना चाहते हैं, तो उनका जांच होगा और फिर जांच के आधार पर जिसकी जो बीमारियाँ होगी तो उसके आधार पर उनको इलाज किया जाएगा। पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो इलाज हो सकता है यहाँ होगा, अगर यहाँ से नहीं हो सकता है तो उनको जिला अस्पताल ले जाएंगे, और भी कोई बड़ी बीमारियाँ होंगी तो बाहर के अस्पतालों में भी ले जाने की व्यवस्था इस मेला के माध्यम से है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि देखिए, सरकार का प्रयास समय समय पर इसी तरह से चलता रहता है जन कल्याण की भलाई के लिए, कि लोग बीमार तो पड़ रहे हैं पर उनका इलाज भी समय से हो जाए हमारी योजनाओं के तहत, तो उनको बहुत अच्छा होगा। और सब गरीब पात्र भाई बहन जो बीमार पड़ते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं रहते हैं, तो सरकार का एक अच्छा माध्यम है, वो तो यहाँ पर आके जांच कराए, दवाई लें, इलाज कराएँ, उनको अच्छी सुविधा मिलेगी। और आज आप देख रहे हैं कि अभी मैं पुराने अस्पताल में खड़ी हूँ और सब यहाँ पर उपस्थित सब महानुभाव भी खड़े, हमारी नगर पालिका के जी भी, पार्षद जी भी हैं। आज यहाँ पर क्लिनिक, संजीवनी क्लिनिक का शुभारम्भ हुआ है। इसे क्लिनिक के माध्यम से जो भी हमारे भाई बहन जिनको दवाइयाँ चाहिए अस्पताल से, दवाइयाँ देने का काम होगा। एक प्रार्थना आप सबसे भी है कि समय का थोड़ा ध्यान रखवाएंगे, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक की दवाई बांटेंगे, और इतने समय में जो भी भाई बहन दवाई लेने आएंगे उनको मिलेगा, और जो टाइम से बाहर आएंगे तो शायद उनको खाली लौटना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग भी थोड़ा प्रचार प्रसार करेंगे तो सभी लोग टाइम से आके अपना दवाई ले जाया करेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए वो दवाई खाकर के अच्छा करें, स्वास्थ्य रहे। दीदी, कई दिनों से यहाँ पे महिला डॉक्टर की कमी है, लोगों को, महिलाओं को यहाँ पे उमरिया शहडोल जाना पड़ता है, कब महिला डॉक्टर की यहाँ पे हॉस्पिटल में कमी पूरी होगी? देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है, सही बात है कि भाई आधी आबादी हमारी महिलाओं की है, और अगर हमारी महिलाओं को कोई तकलीफ हो जाता है तो बाहर की जगह में तो जाती हैं। देखिए, मैं हमेशा पहले डॉक्टर की पोस्टिंग भी हुई, पर उनको और कोई कोर्स करना हुआ तो फिर डॉक्टर चली गई। समय समय पर हम लोग यहाँ पर व्यवस्था किए हैं, पोस्टिंग की भी हुई है, पर वो नहीं रह पाए ज़्यादा दिन तक। अभी भी यहाँ पर महिला डॉक्टर की कमी है, आप सब भी जान रहे हैं, पर माननीय मुख्यमंत्री जी तक मैं बात पहुँचा देती हूँ। और उनका ये कहना होता है कि कोई भी डॉक्टर अगर ज्वाइन करे तो हम तो वैकेंसी आज भी दे रखे हैं, सबको वैकेंसी खोल रखे हैं, जिसको ज्वाइन करना है, चाहे पाली हो, चाहे उमरिया हो, चाहे मध्य प्रदेश के कोई भी जिला में हम वैकेंसी नौकरी देंगे, आप हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर सेवा करो। तो कभी कभी हमको डॉक्टर मिल नहीं पाते, उनको लगता है कि पाली छोटी जगह है, हमारे बाल बच्चे कहाँ रहेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, वो अपनी सुविधा भी देखते हैं। स्वाभाविक है कि आजकल सभी अपने खुद के भी बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है और सभी के भी बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है, तो इस वजह से भी यहाँ पर नहीं आ पाते, पर हमारी कोशिश है कि शीघ्र महिला डॉक्टर आएंगे। दीदी, आपके द्वारा यहाँ पे विधायक निधि के द्वारा एक एम्बुलेंस यहाँ पे पाली हॉस्पिटल में दी गई थी, वो एम्बुलेंस यहाँ से गायब हो गई है, शायद 100 नंबर में चली गई है, आज भी लोगों को सुविधाएँ नहीं मिल पाती। आप जमीनी स्तर पर ये स्थिति है पाली हॉस्पिटल की देखा जाए तो एम्बुलेंस के लिए लोग घंटों घंटों इंतजार करते रहते हैं। मैडम, आपके द्वारा जो एम्बुलेंस दी गई थी वो भी यहाँ से गायब हो चुकी है, उसको लेकर क्या कहेंगे मैम आप? ठीक, आप तो भोपाल में रहती हैं मैम, लेकिन पाली हॉस्पिटल की हालत आप यहाँ के जनता से पूछ सकते हैं? नहीं, देखिए, एम्बुलेंस जो विधायक निधि से जो एम्बुलेंस यहाँ दिया गया है, कि जो लोग यहाँ से बाहर रेफर होकर जाते थे, शहडोल जाते थे, जबलपुर, तो उनको सुविधा मिले, उनके जेब का खुद का गरीब का पैसा ना लगे, इसलिए दिया गया था। पर मैं अपने सीमेंटो महोदय से कहना चाहती हूँ कि वो एम्बुलेंस कहाँ है? उसके संचालन के लिए राज्य ने पूरी एम्बुलेंस मंगा ली है और 108 में मंगा ली, क्योंकि उनके ड्राइवर डीजल की व्यवस्था नहीं सही। अब पीछे जो एक साल से पड़ी है, इनको क्या करेंगे? नहीं, ये तो कंडम वाली गाड़ियाँ, एक साल